राम राम सारे भाइयों ने, जितने भी भाई मुझे डेली दिखे हैं उन सारे ने राम राम। तो भाई आज जाना है हमने कोणार्क मंदिर, तो उससे पहले थोड़े कुछ खा पी लूँ, मैं भूख लग रही है भाई। ये खाएंगे हम, जो भाई कल का बचा है इसने बोले हैं भाई यहाँ पे खाजा, तू भी वाले खाजा। तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे कोणार्क मंदिर के लिए। अभी वो अमरीश वर्मा जो है हमारा, उनका वीडियो देख रहा था ऑल राइट वाले या टाइम लाइनर वाले, तो उनको देख के उनका देख के मुझे भी हरियाणवी निकलने लगी। तो अभी निकलना है यहाँ से हमें 30-32 किलोमीटर यहाँ से कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर जाएंगे वहाँ से आएंगे और कल निकलेंगे यहाँ से हम रांची में, धनबाद, अरे सॉरी झारखंड में रांची में हमारे देश के बहुत ही महान हस्ती का घर है, गैस कर लेना, वहाँ जाने वाले हैं हम। तो चलो बाहर मिलता हूँ आपसे। हाँ लोंडो, यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई यार, काफ़ी लंबा पड़ गया आना। जहाँ मैं स्टार्ट किया था हमने वहाँ से 35 किलोमीटर है, और अभी उतरे हैं बस से। यहाँ पे हाथ से बने हुए जूट होते हैं ना, जूट उसके नारियल के छिलके, उनसे बने हुए काफ़ी बढ़िया बढ़िया खिलौने बने हुए हैं। देखो ये जूट नारियल के छिलकों से बने हुए हैं, अरे नारियल के छिलकों से है ना, नारियल के छिलके से बना हुआ है ना ये। कितने का एक बेचते हो आप? 20 रुपये का। बस 20 रुपये का? अरे यार इतना प्यारा है यार, 20 रुपये में, बस 20 रुपये में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपये का। और वो बड़ा वाला? ये बड़ा वाला 60 रुपये का बस। वाह यार, ना खतरनाक टैलेंटेड काम किया ना, 20 रुपये में बेच रहे हैं यार। चलो आते टाइम देखता हूँ। सही है, यहाँ पे टेंपल वेम्पल बना हुआ है ना, सूर्य टेंपल है ना। भाई यार ये होता है टैलेंट, इतना कम दाम में बेच रहे हैं, इतना महंगा मतलब खतरनाक सामान, और ये बाहर में बहुत महंगा महंगा मिलेगा। है डिज़ाइन देखो, तो उड़ीसा के लोकल उड़ीसा का लोकल जो ऑथेंटिक डिज़ाइन होता है वो है ये, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन आपको हर स्टेट में जाओगे ना, हर स्टेट का अलग, जैसे हैदराबाद में हम लोग गए थे तो हैदराबाद का अलग डिज़ाइन था, वैसे ही उड़ीसा का लोकल अलग डिज़ाइन है ये। काजू बिक रहा यार, काजू रवा ये सब बिक रहा था। चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं, ये शायद महाराष्ट्र से, उड़ीसा ही से, मुझे लगा शायद महाराष्ट्र से है क्योंकि शिवाजी का वो था ना। तो जो हमारा ये सूर्य मंदिर है ये बना है मेरे ख्याल से 12th century के आसपास में, तो अगर गलत नहीं हो तो 12th century के आसपास में बनाया, गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव थे उन्होंने बनवाया था इसको। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली है कि अभी पता चली, जो कलिंगा युद्ध हुआ था आपको याद होगा अशोका का, और उसका नहीं ये शायद मैंने बता दिया है, मैं भी अजीब आदमी हूँ यार, एक बार बताई हुई चीज़ को वापस से बता रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़े मोटे छोटे छोटी छोटी बाजारें लगी हुई हैं, ये भी बाजार ही है लेकिन आज बंद है, ये जो आप देख रहे हो उधर ब्लू ब्लू वो भी बाजार ही है लेकिन वो आज बंद है। जाना भाई पै पै कर रहा है यार, जब रास्ता उसको मिला फिर भी पै पै कर रहा है। दादा अभी कितनी दूर है मंदिर? पास में। हाँ दिख गया यार, नावर का टेम्पल। आ जाओ चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर पहुंच के बताता हूँ यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है मुझे यहाँ के बारे में। बाज़ार आकर घूमेंगे लेकिन अंदर जाने से पहले एक भाई है मिला है, उससे पूछते हैं। भाई एक काजू इधर क्या भाव देते हो आप लोग? 550 रुपये के जी। इधर खेती होती है इसकी? ₹550 है, ₹600 वाला है, ₹700 वाला ये जो एकदम क्लीन है वो ₹700 जो हल्का थोड़ा बिना वो पॉलिश वाला ये, पॉलिश किया गया नहीं। अच्छा ये लोकल हैंडमेड होते हैं, मतलब यहाँ से पेड़ से निकल के हाँ? खुद ही जला के खुद ही हाथ में ठोक के निकल दे, मशीन लग पाए। अच्छा और जो ये सब है ये पॉलिश वाला है? बिना पॉलिश वाला ये सारा ये रियल में इतना पॉलिश छिलका लगेगा? हाँ नहीं लगेगा नहीं। और खेती यहाँ पे कहाँ पे होती है? इधर देखो चंद्रभागा रोड से होता है, राइट साइड में देखेंगे पूरा 40 एकड़ का जंगल है टोटल, पूरा इसका ही है 40 एकड़ का काजू का, काजू का पेड़। इसका पेड़ मैंने आज तक देखा नहीं, साइड में है ना, इधर है यहाँ पे। चंद्रभागा जाएंगे, चंद्रभागा कहाँ पे? इधर इधर पूरा सामने। अच्छा इधर से जाना पड़ेगा एक रोड, ये टोटल अलाउ नहीं है ना मुझे जाना? जा सकते हैं, 3 किलोमीटर दूर इधर चंद्रभागा, लेकिन फिर उधर से वहाँ नहीं जा सकता, पूरी पूरी बस चल रहे हैं टोटल बस जा रहे हैं। अच्छा मुझे लग रहा है वो बीच वाले रोड पे, बीच क्या उसी को बोलते हैं?
ठीक है, तब तो पैदल पैदल चला जाऊंगा बीच वाले रोड पे। यहाँ सही है, थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? सूर्या। थैंक यू। मंदिर सूर्या। हाँ। तो सूर्या भैया ने हमें बताया कि इसका क्या है। मुझे लग रहा था कि इसकी खेती होती है क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ लोकल में तभी बिकती है जब वो चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो रही हो। 500 रुपये किलो बताओ बेच रहे हैं आलू पे काजू। देख कर काजू मज़ा आता है, क्योंकि काजू किशमिश ये सब भाई। अच्छा काजू का ऐसा नहीं है, काजू इज इक्वल टू हाई फाई लोग। अगर काजू खा रहे हैं मतलब हाई फाई होगा। अच्छा एक हो जाता है अंदर से। बादाम तो चलो चल जाता है, बादाम कोई भी खा लेता है खरीद के, लेकिन काजू अगर खा रहा है कोई बंदा तो वो हाई फाई होगा। ये हमारे मन में बैठा हुआ है, अमीर है भाई तभी ना काजू खा रहा है, ये हम लोग सोचते हैं हमेशा से। लेकिन मैं जब अमेजोन में जॉब करता था मैं खूब चुरा चुरा कर खाता था। टिकट शायद इधर मिलेगी, नहीं पता टिकट कहाँ मिलेगी, चलो देखते हैं कहाँ मिलेगी। 40 रुपये का एक टिकट मिला और टोकन जैसा है, दिल्ली के मेट्रो मेट्रो कॉइन जैसा है। तो इसको डालेंगे मेट्रो कॉइन मेट्रो में और निकलेंगे सूर्या टेंपल की तरफ, कोणार्क टेंपल, मेन सन टेंपल। 12th century के आसपास बनाकर मैंने तैयार करवाया था, फिर मैं मर गया, फिर दोबारा जिंदा हुआ हूँ। खतरनाक लग रहा है यार देखने में। कहा जाता है कि ये इसके तीन मंडप। हाँ डेविल ऑन वेकेशन। आ जाओ घूमें, घूम के आता है, आ जाओ टिकट ले लिया, आ जाओ फिर लेकर, आ जाओ लेकर। हाँ बिहार के लौंडे मिल गए। चलते हैं हम लोग अंदर घूम के आते हैं। क्या क्या है इसका सन टेंपल का कि, अरे यार ये बहुत खतरनाक अच्छा लग रहा है देखकर दादी वादी लोगों को। अच्छा एक चीज़ है, काफ़ी रूल के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा बूढ़े लोग रूल के हिसाब से चल रहे हैं, एकदम लाइन से इधर इधर उधर नहीं घूम रहे। और लौंडे साले इधर से जाते हैं अगर लौंडे रहते तो। कहा जाता है कि जो इसका सॉरी बकचोदी करने में यार बिजी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। ये कितनी प्यारी लग रही पा 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 पापा, कितनी प्यारी लग रही है। अपने ही मूड में घूम रही है। कहा जाता है कि इसके तीन मंडप हुआ करते थे, और तीन मंडप अंदर जाऊंगा फिर बताऊंगा। यहाँ पे कॉइन जमा कर दूँ पहले, ये भाई को फोटो खींच लेंगे फिर आगे चलते हैं। और जो ये देखो इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कलिंगा आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं वो है यहाँ पे। और अभी यहाँ से ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ऊपर देख रहे होगे वहाँ पे तो कुछ घेरा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक लोड स्टोन करके एक पत्थर हुआ करता था, जो उसमें ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा था। तो जो इसमें शिव जी उनकी सूर्य जी की जो मूर्ति थी वो सूर्य जी की मूर्ति उससे खिंची हुई रहा करती थी हमेशा, जब तक वो इन्वेड नहीं कर ली गई। कुछ लोग कहते हैं कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने उसको तोड़कर अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि जो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल था वो इतना ज़्यादा था कि वो जब भी पुर्तगाली यहाँ से जाया करते थे, पहले समुद्र यहाँ से बहुत पास था, अब तो 3 किलोमीटर दूर है, पहले यहाँ से बहुत पास था। ये जो मंदिर है इसके समुद्र के किनारे बनाया गया था, जब इसके कुछ ऐसे साक्षात, अरे क्या बोलते हैं यानी हिंदी में उसको, इसके कुछ प्रूफ मिलते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ये उसके किनारे बना हुआ था। और 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, ये पूरा ऐसे बनाया गया जैसे ये रथ है, और 7 घोड़े मिलके इसको खींच रहे हैं। जगह जगह पे ये देखो पहिए बने हुए हैं, पास से चल के दिखाता हूँ आपको। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे भी हमको इरोटिक स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। देखो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो सामने ये वाली मूर्ति, ये वाली, और नीचे भी एक दो बनी हुई है जैसे ये वाली, और ऊपर बनी हुई है वो वाली, वो तो दिखेगी नहीं। हाँ ये देखो, अब ये इसको देखो फिर बताता हूँ आपको। ये देख रहे हो आप, ये आपने नोटों वोटों पे भी देखा होगा। अब अलग चीज़ ये है कि जैसे जैसे सन जाता है ना वैसे वैसे ये घंटे और मिनट को बताता है। ये जो आप टायर देख रहे हो मतलब व्हील देख रहे हो, इस व्हील का सबसे महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खतरनाक तरीके से। तो इसकी जो कार्विंग है ना वो अलग ही लेवल पर है। अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर से हम पूरा बंद हो चुका है। यहाँ पे ये सपोर्ट के लगा हुआ है क्योंकि ये गिरने लगा था। अरे मेरे पास भी कोई वो नहीं है कि मैं फ़ोटो खिंचवा सकूँ, नहीं तो फ़ोटो तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे आएंगी। कोई रहता ही नहीं, आप किसी से बोल कर खिंचवाना है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो खींच नहीं पाएगा फिर आपका मन करेगा एक और खिंचवाने का और उसको ऑकवर्ड फील होने लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं किसी को खींचने के लिए। लोग काफ़ी सोचो ये बहुत ऊंचा हुआ करता था यार, इसके कुछ पत्थर यहाँ गिर के रखे हुए, जो पत्थर गिर गए हैं वो यहाँ रखे हुए हैं।
क्या खतरनाक है। ये सबसे छोटा मंडप है, इसके पीछे तीन मंडप, मतलब जो अभी हम मंडप देख रहे हैं ये सबसे छोटा मंडप था बताते हैं। वो बता रहे हैं कुछ ऐसा जो लोगों को, मतलब दो चीज़ों को मैं जोड़ के बता रहा है, जबकि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अलग अलग हमारे कल्चर में हर जगह पर मिल जाएंगी। बुद्धिस्ट कल्चर और हिंदी हिंदू कल्चर काफ़ी हद तक सिमिलर हुआ करता था एक टाइम में, अभी भी यार सिमिलर ही है काफ़ी हद तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि अभी एक मेरे एक वीडियो पे एक अंकल थे, मतलब मॉन्क बोल रहे थे, मेरे हिसाब से मॉन्क नहीं थी क्योंकि मॉन्क इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते, वो एकदम सीरियस हो गए, बोल रहे हैं कि आपने जो डाला है गलत है। मैंने बोला जो मुझे बताया गया मैंने वही डाला, मैंने कुछ ज़्यादा और गलत और सही नहीं डाला है, जो मुझे समझ में आया वो मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, प्रोफेशनल कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ कि मैं एक एक चीज़ बताऊँगा वो एक एक चीज़ करेक्ट हो। हाँ कुछ देखो मैं जो बताता हूँ वो वेरी करती है चीज़ें, मतलब कि सही और गलत के बीच में होता ना वो होती हैं, मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ मैं, एज अ जैसे कि मैं जो बताता हूँ वो एक प्रेफरेंस होता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, अब उसको आपको डीप में रिसर्च करना है तो आप जाके उसको गूगल खोल के और यूट्यूब खोल के और जो भी करके देख सकते हो। देखो एक मंडप हुआ करता था ये जो कि सबसे ऊंचा हुआ करता था, दूसरा मंडप हुआ करता था वो जो कि सबसे बड़ा हुआ करता था, उसके बाद एक मंडप था वो जो अभी बचा हुआ है, और शिव जी ये सूर्य देव की जो मूर्ति थी ना वो भाई हवे में लटकती थी, मतलब इतना इस लोडस्टोन के पुल के कारण। अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग मान्यताएं, पुर्तगाली कुछ लोग कहते हैं पुर्तगाली ने इसको इन्वेट किया, कुछ लोग कहते हैं समय की मार ने हमारे इस मंदिर को निस्तो नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया, लेकिन है बहुत खूबसूरत। देखो पीछे से एक दो मूर्ति भी हैं, यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, कितनी खतरनाक इन लोगों की कार्विंग है, कार्विंग से ज़्यादा खतरनाक क्या रियलिस्टिक बनाया है इन लोगों ने। ये देखो आप नीचे से अगर देखोगे आप तो एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि हल्का सा मूव करोगे तो चल देगा, देखो एकदम हल्का सा ज़मीन से टच है और पूरा एकदम सर्कल बना हुआ है, क्या मस्त लग रहा है। और एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है, इस पर ध्यान देना जो बीच में बने हुए हैं, जो बीच में बने हुए हैं इस भी बोल रहे हैं, हाँ जो सोच रहे हो वही एरोटिक स्कल्पचर्स ही हैं, इसमें भी गजब लग रहा है देखने में। एक पूरा सर्कल लेने में एकदम मजे आ जा रहे हैं, जो जिस हिसाब से इन लोगों ने उस इन चीज़ों को खतरनाक तरीके से कार्व कर करके बनाया है। ऊपर नहीं जा सकते, अगर ऊपर जा सकते तो और बढ़िया से मैं आपको दिखाता, ऊपर स्थान पर ऊपर चढ़ना मना है। चलो आगे चलते हैं। हाँ दादा कैसे हो, वो देखो एरोटिक स्कल्पचर्स। मुझे भाई कोई हिस्टोरियन मिले ना उनसे मैं ये सवाल ज़रूर करूंगा कि क्यों हमारे मंदिरों पे इरोटिक स्कल्पचर्स बनते थे, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि कई लोगों का अलग अलग मानना है। ये देखो वो देखो ये देखो, पहले तो मुझे लग रहा था कि शिव जी के मंदिर पे शिव जी के मंदिर पे बनता है ऐसा तो समझ में आता था, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इनके मंदिर पे क्यों बनता है, सूर्य जी के मंदिर पे क्यों बना, क्योंकि एक सवाल स्टक करता है ना। पूछूं क्या इससे, ये जो इन लोगों को ज्ञान दे रहा है वो है गाइड है, ज्ञान दे रहा, तो मैं सोचा पूछूं इनसे कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा किया जाता था। देखो यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये जो सर्कल बना हुआ इसमें है, इसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा क्यों बनता था। आ जाओ चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक पास में बीच है, जो बीच यहाँ पे पारंबरा ऐसे कुछ करके एक बीच हुआ करता था, जो यहाँ पे से अब दूर चला गया है, पहले एकदम इसके किनारे पे ये बसा हुआ था। चलते हैं उससे उधर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है देखने को। अब उसको बीच कहते हैं, कौन सा बीच है नाम नहीं पता। बताए यहाँ पे जो बीच है उसका नाम क्या है, क्या आप लोग रिकॉर्ड हो रहे हो आप, अच्छा ले लो ले लो ले लो। क्या लग रहा है आपको, 10 रुपए दो, मैं 10 रुपए दूंगा सिर्फ। हाँ दे दो,
मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, वो दे रहा हूँ मैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप लोग बाहर बैठी हो, अरे देने की बात नहीं है, देने के लिए दे देता, मुझे मिलते हर जगह पे हैं, किसको मना करूँगा, मना करते भी तो नहीं बनता है। हर जगह में मैं भारत घूम रहा हूँ, पूरा इंडिया, इंडिया पूरा इंडिया, बोलो हाय। चलो अब चलते हैं, वो यहाँ पे बीच जो है पारंबर, फिर भूल गया, वहाँ चलते हैं बीच के पास। अबे जाने से पहले एक बात बोलनी थी, लंबी सांस लो और सुनो यार, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कोई नहीं है, अकेले चल रहे हो और सामने समुद्र इतना विशाल का है, तो आपको अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है कि आप कितने तुक्ष हो इस समुद्र के सामने, क्योंकि ये समुद्र आपको एहसास दिलाता है कि आपके पास गर्लफ्रेंड होती तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग बैठ कर यहाँ कितने मज़े करते। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके दोस्त होते तो भी आप मज़े कर सकते थे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यार, कोई देखो कुछ लोग हैं जो उधर हैं सिर्फ, ठीक है, इधर बहुत कम लोग हैं। एक भाई वो बैठा हुआ है, वो भी लग रहा है मेरी तरह ही अकेला लोन वुल्फ है। हम लोन वुल्फ हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम अकेले ही काफ़ी होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे बैठता हूँ, बैठकर नज़ारे मारते हैं। भाई बहुत मेहनत हो जा रही है यार, वाह, लेकिन अच्छा भी लगता है। देखो समुंदर आप लोग, चलो तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को एक टास्क देता हूँ। टास्क ये है कि आप लोगों को जाकर मुझे दबा दब सब्सक्राइब करना है, मुझे लगा सांप वहाँ पर, दबा दब सब्सक्राइब करना है, दबा दब लाइक करना है, ठीक है, जाओ जल्दी करो।